नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर रीजनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर जॉब करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नोएडा ने भर्ती निकाली है नोएडा के लिए और ग्रेटर नोएडा के लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं पूरी डिटेल। देखिए, ये साइट है आपके सामने, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जिसको हम बेसिल बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे वैकेंसी की इन्होंने पूरी डिटेल मेंशन की है। यहाँ पे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेस की पोस्ट है दोस्तों, 3 साल के लिए हैं ये और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नोएडा के अंदर है। तो इन नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इन द ऑफिस एट नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के लिए इनको चाहिए। तो डिटेल चेक कर लेते हैं क्या है। इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो जाएंगे 22 जुलाई 2019 से, यानी कि कल से, और लास्ट डेट रहेगी 21 अगस्त 2019। सिर्फ ऑनलाइन मोड जो है उसी में एक्सेप्ट की जाएंगे सारे फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। और जो लास्ट डेट है वो फीस डिपॉजिट से, जो लास्ट डेट फीस डिपॉजिट की है वही जो है फॉर्म अप्लाई करने की डेट है सेम दोस्तों। अलग से कोई टाइम नहीं दिया गया है फीस को डिपॉजिट करवाने के लिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 22 जुलाई से और लास्ट डेट रहेगी 21 अगस्त। तो आपकी फीस डिपॉजिट भी 21 अगस्त तक होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बाकी क्या डिटेल है। नंबर एक पे जो पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट का नाम है स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर, नंबर वन पे पोस्ट है। टोटल मिला के 9 पोस्ट हैं दोस्तों। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या तो BSc होना चाहिए दोस्तों, कैंडिडेट ग्रेजुएट इन साइंस BSc कैंडिडेट हो, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, सिविल या फिर मैकेनिकल हो, IT वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस हो, या फिर जिन्होंने BTech किया है वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि डिप्लोमा BTech और BSc वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, और ट्रेड जो है आपकी यही होनी चाहिए दोस्तों जो इसके अंदर मेंशन है। एज आपकी 18 से लेकर 32 साल की होगी दोस्तों, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 32 साल आपकी एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद पे स्केल ये है, यहाँ पे 35,000 रुपये सैलरी रहेगी पर मंथ, और एनुअल इंक्रीमेंट जो है 5% होगा दोस्तों आपके परफॉर्मेंस के बेस पे। और उसके बाद जो है मेडिकल इंश्योरेंस है, अदर फैसिलिटी भी हैं दोस्तों इसमें काफ़ी। देखिए, 35,000 रुपये पर मंथ तो सैलरी है ये, इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस है 2 लाख का आपके लिए और स्पाउस के लिए, और एक्सीडेंटल और नेचुरल डेथ पे दोस्तों कवरेज है इंश्योरेंस, यानी कि 10 लाख तक का रिस्क कवर हम कह सकते हैं ये भी मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका I1 होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियर मेंशन है। और कौन कौन से इसमें आपने एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले रिटर्न होगा, उसके बाद साइको होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जितने भी एग्ज़ाम होंगे सारे आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। बिल्कुल क्लियर मेंशन है, साइको टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफ द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन रिटर्न एग्जाम। जो क्वालिफाई करेंगे रिटर्न एग्जाम को उन्हीं को साइको टेस्ट जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यही होना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों, ये थी नंबर एक की कैटेगरी। अब बात करते हैं नंबर दो की कैटेगरी में। नंबर दो पे पोस्ट है कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट। टोटल 16 पोस्ट हैं दोस्तों, 3 ईयर्स ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यानी कि कोई भी BA पास कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। एज वही 18 से लेकर 32 साल होनी चाहिए, और पे रहेगी दोस्तों 30,000 रुपये पर मंथ, एनुअल 5% इंक्रीमेंट है, बाकी टर्म कंडीशन सेम है दोस्तों। तो एग्ज़ाम जो भी होंगे वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे, साइको वगैरह या रिटर्न वगैरह। उसके बाद जो नंबर थर्ड पे पोस्ट है, उस पोस्ट को चेक कर लेते हैं क्या है नंबर थर्ड पे। ये है यहाँ जूनियर इंजीनियर JEE की आगे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के लिए, ये JEE इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है नीचे। तो इसमें JEE इलेक्ट्रिकल के लिए 12 पोस्ट है और मैकेनिकल के लिए हैं 4 पोस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों में सेम है दोस्तों, या तो डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, यानी कि BTech हो या फिर डिप्लोमा हो, और स्ट्रीम आपके पास वही होनी चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ट्रेड इन्होंने मांगी है सेम होनी चाहिए। एज 18 से 32 साल होनी चाहिए। तो पे स्केल रहेगा इनका, यहाँ पे स्केल बिल्कुल क्लियर मेंशन है, 35,000 रुपये रहेगा दोस्तों दोनों में, 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, सेम इंक्रीमेंट है 5% पर ईयर, और वही है दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस है 2 लाख का, और एक्सीडेंटल का नेचुरल डेथ पे कवरेज ऑफ 10 लाख का है, और बाकी रिटर्न वगैरह जो भी एग्ज़ाम होंगे या जो भी साइको एग्ज़ाम होंगे वो क्लियर करने पड़ेंगे।
और सबके लिए, जेई के लिए जितनी भी भर्ती है सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है। देखिए जेई इलेक्ट्रिकल के लिए है, जेई मैकेनिकल, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स की है, और है जेई सिविल और जेई फिटर, जेई इलेक्ट्रिशियन, यहाँ तक है दोस्तों, जेई सिविल तक है यहाँ पे। तो सभी में जो है इन्होंने डिप्लोमा मांगा है या फिर सभी में इन्होंने बी टेक मांगा है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 7 पे जो पोस्ट है मेंटेनर, मेंटेनर है दोस्तों फिटर, यहाँ पे इन्होंने 9 पोस्ट हैं इसकी, और इन्होंने ITI मांगा है दोस्तों। तो ITI वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने NCVT से किया है या जिन्होंने SCVT से किया है। तो ITI वाले कैंडिडेट्स इस चीज़ का ध्यान रखें, एज वही होनी चाहिए, मिनिमम 18 से लेकर 32 साल, पे रहेगी 25,000 रुपये पर मंथ, एनुअल इंक्रीमेंट 5% रहेगा, और वही है दोस्तों सेम, मेडिकल इंश्योरेंस भी है 2 लाख का, और रिस्क कवर एक्सीडेंटल और नेचुरल डेथ पे 10 लाख का है। उसके बाद सेम प्रोसेस इनका भी है, देखिए यहाँ पे इनका स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, ITI वालों का स्किल टेस्ट को आप या इसको ट्रेड टेस्ट कह सकते हैं, वो इनका होगा स्किल टेस्ट। स्किल ट्रेड टेस्ट वुड बी कंडक्टेड ऑफ दोज हु क्वालिफाई रिटन एग्जाम, पहले आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट या फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो इस चीज़ का ITI वालों ने ध्यान रखना है जो ITI के कंसर्न कैंडिडेट हैं। तो ये थी ट्रेड फिटर से रिलेटेड। बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की, 29 पोस्ट हैं दोस्तों, ITI पास होना चाहिए कैंडिडेट, NCVT और SCVT। अच्छा इसके अंदर एक चीज़ मेन है कि जिनका ITI या BTech या डिप्लोमा चल रहा है वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि जिस टाइम इंटरव्यू होगा सितंबर वगैरह में उस टाइम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट पास होना चाहिए, पास आउट की मार्कशीट उसके पास होनी चाहिए। तो यानी कि अपीयरिंग जो कैंडिडेट हैं जो फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ITI का है, चाहे वो ग्रेजुएशन का है, चाहे वो BTech है या डिप्लोमा, कोई भी कैंडिडेट है। तो इस चीज़ का आप सबने ध्यान रखना है। तो ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए एज रहनी चाहिए दोस्तों 18 से लेकर 32 साल तक, बाकी टर्म कंडीशन सेम रहेगी ITI वालों के लिए भी, ये सेम है प्रोसेस, इसमें 25,000 रुपये पे है दोस्तों, और सेम है बाकी पूरा प्रोसेस। और उसके बाद है ITI इलेक्ट्रीशियन के बाद है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, देखिए नंबर 9 पे इसकी 90 पोस्ट है, यहाँ पे ITI होना चाहिए दोस्तों, ट्रेड आपके पास इलेक्ट्रो मैकेनिक या फिर IT हो या फिर TV एंड रेडियो होनी चाहिए, NCVT SCVT कोई भी कैंडिडेट हो, प्रोसेस सेम है वही, एज 18 से 32 साल तक होनी चाहिए, बाकी पूरा जो है जितनी भी भर्ती है ITI वालों की लगभग सेम है। आगे जो ट्रेड है मेंटेनर RAC की, रेफ्रिजरेशन एंड AC की 7 पोस्ट है यहाँ पे, तो इसमें भी ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज सेम है सब में। उसके बाद अगली पोस्ट है दोस्तों अकाउंट्स असिस्टेंट, तीन पोस्ट हैं अकाउंट्स असिस्टेंट की, और इसमें जो है BCom होना चाहिए कैंडिडेट या फिर CA जिसने किया हो या फिर ICWA किया हो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज 18 से 32, 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी, बाकी टर्म कंडीशन सेम उसी तरह से हैं जो ऊपर वाले कैंडिडेट्स के लिए थी। इसमें जो है दोस्तों पर्सनल इंटरेक्शन होगा, यानी कि GD ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ट्रेड वाइज क्या वो क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट, नेक्स्ट जो है ऑफिस असिस्टेंट, देखिए एक पोस्ट है, BBA या BCA वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी टर्म एंड कंडीशन इसमें बिल्कुल सेम रहेगी, पर्सनल इंटरेक्शन GD होगा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन हम कह सकते हैं वो इसमें होगा। तो टोटल मिला के जो है 199 पोस्ट हैं दोस्तों, 199 पोस्ट हैं सभी के लिए, इसमें BA वाले भी आ गए और ITI पॉलिटेक्निक BTech या जिन्होंने BSc किया है और जिन्होंने CA ICWA किया है वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग थी ये पोस्ट। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मेन इसके अंदर क्या है वो भी चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक इसमें दिया है, एज में छूट है दोस्तों नियमानुसार SC ST OBC के लिए 5 साल की छूट है, लेकिन कंडीशन एक है कि वो कैंडिडेट UP का होना चाहिए दोस्तों, UP से बाहर के कैंडिडेट के लिए छूट नहीं है, SC ST OBC के लिए 5 साल की छूट है लेकिन कैंडिडेट UP का होना चाहिए, UP से बाहर का नहीं होना चाहिए। और जो है दोस्तों ये देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट वुड बी फॉर 3 ईयर्स, तो 3 साल की जो है कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, ये 1 साल की नहीं है, कभी कोई ये समझे कि ये जॉब 1 साल के लिए है। तो क्वालिफिकेशन का अपीयरिंग का इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, एज प्रिस्क्राइब्ड एबो कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग एट द क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि जो अपीयर हैं जो पढ़ रहे हैं फिलहाल वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये बात इस पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल क्लियर इन्होंने दी है। अब बात करते हैं दोस्तों मेन और क्या है इसके अंदर पॉइंट्स, तो सिलेक्शन प्रोसेस का इन्होंने दे रखा है दोस्तों कि रिटर्न एग्जाम होंगे, रिटर्न एग्जाम 2 होंगे और सेम डेट में होंगे, और उसके बाद साइको टेस्ट होगा।
तो जिस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, तो कंसर्न पोस्ट का इन्होंने यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। तो मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा दोस्तों, चेक करेंगे कि कैंडिडेट मेडिकली फिट है या नहीं है। रिटन एग्ज़ाम में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिटन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, क्लियर मेंशन है इसके अंदर। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी की है, तैयारी करनी है। और रीजनिंग वगैरह का सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक है दोस्तों, इस लिंक पे जाके ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नोएडा के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।